लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा मैनेजमेंट। जब पेशेंट आएगा पहले उसे ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन के साथ उसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट भी दे सकते हैं या तो फिर शॉर्ट एक्टिंग मस्कलेनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का एग्जाम्पल है सालब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। शॉर्ट एक्टिंग मस्कलेनिक एंटागोनिस्ट का एग्जाम्पल है इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। उन सब के साथ साथ हमें सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देना है जो कि इन्फ्लेमेशन कम करेगा और जो बीटा टू रिसेप्टर है उनकी सेंसिटिविटी बढ़ाएगा फॉर द बीटा एगोनिस्ट। वी कैन ऑल्सो गिव आईवी मैक्सल्फ। अगर इन सब के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक नहीं हो रही है, फिर हम पेशेंट को इन्वेसिव वेंटिलेशन पे डाल देंगे और जिसका इंस्पिरेटरी फ्लो हाई होगा और प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन होगा अप टू 1:3 to 1:4। और हम साथ में उसे एंटी आईजीई एंटीबॉडी भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओमाइलिजुमैब। एंड फॉर द स्टेबल अस्थमा इट्स मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन विच इज इंटरमिटेंट माइल्ड मॉडरेट सीवियर बेस्ड ऑन द डे टाइम सिम्टम्स एंड नाइट टाइम अवेकनेस। तो इंटरमीटेंट में हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सालब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन। और माइल्ड वाले में हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ साथ लो डोज इंट्रा इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं एंड उसके साथ साथ एंटी ल्यूकोट्राइन्स भी देंगे। और मॉडरेट में हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, हाई डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ साथ एंटी ल्यूकोट्राइन्स भी देंगे। और जो सीवियर अस्थमा होता है, सीवियर अस्थमा में हम ओरल स्टेरॉयड, एंटी आईजीई एंटीबॉडी टाइप ओमेलिजुमैब, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और हाई डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे।